डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। और आपको याद होगा कि ये बेसिकली चैप्टर रिलेटेड टू वेक्टर्स है। देखिए, इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द वैक्टर्स ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 9 के इज पैरेलल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस एम जे माइनस 3 के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस एम की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी आपने इस एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। अब आपको याद होगा कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, कि वी नो दैट इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, वी नो दैट या सिंस ए एंड बी आर पैरेलल, देयर फोर आपको याद होगा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे से क्या होता है कि लैम्डा टाइम्स ज्यादा या कम होता है। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो लैम्डा पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लैम्डा नेगेटिव होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू और यहाँ पर लैम्डा बी, ये होता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। देखें, देयर फोर ए आपके पास है, देखें 3i प्लस 4j माइनस 9 के, और लैम्डा आपके पास है, लैम्डा आपने फाइंड करना है, और फिर बी आपके पास है आई माइ प्लस एम जे माइनस 3 के। अच्छा, एक्चुअली हमें तो फाइंड करनी है एम की वैल्यू, मगर उससे पहले हम लैम्डा भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये 3i प्लस 4j माइनस 9 के, अब लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा आई प्लस लैम्डा एम जे और माइनस 3 लैम्डा के। तो अब पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू फाइंड करेंगे पहले लैम्डा की, और लैम्डा के लिए क्या करेंगे, देखें कि यहाँ पे आई का कोफिशियंट 3 है जबकि यहाँ पे आई का कोफिशियंट लैम्डा है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, कोफिशियंट इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई। ठीक है, ये जो आई कंपोनेंट का हम कोफिशियंट इक्वेट कर लेंगे, तो देयर फोर देखें यहाँ पर आई का कोफिशियंट 3 है और यहाँ पर लैम्डा है, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। मगर हमें स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है एम की, तो अब देखिए एम आपके पास यहाँ पर है, देखिए एम देखिए आपके पास ये है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे के जे के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए जे का कोफिशियंट यहाँ 4 है और यहाँ जे का कोफिशियंट आपके पास क्या है, लैम्डा एम है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर एम, फॉर एम इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ जे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जे का कोफिशियंट आ जाएगा, देयर फोर यहाँ पर देखिए आ जाएगा 4 और देखिए यहाँ पर आपके पास है लैम्डा एम है। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 4, अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी 3, ये आपके पास एम एज इट इज आ गया, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू एम, देखिए देयर फोर आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो अगर एम की ये वैल्यू होगी तो वेक्टर्स क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, नहीं डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये आपका आगे इसका पार्ट 1। अब हम कहते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर गिवन दैट आई प्लस 2 जे प्लस 3 के कॉमा माइनस 2 आई प्लस 3 जे प्लस 5 के एंड लैम्डा आई माइनस के आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। ठीक है, हमें ये तीन पोजिशन वैक्टर्स दिए हुए हैं पॉइंट पी क्यू आर के, और हमें ये हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं। तो अब आपको याद होगा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कि पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ये कैसे फाइंड करते हैं अभी ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले गिवन आपके पास ये है कि पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी, हमने इसको ओ पी दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा पोजिशन वैक्टर हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, पोजिशन वैक्टर की जो डायरेक्शन है डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। ओ पी आ गया आपके पास आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट क्यू आपके पास आ गया ओ क्यू माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के, एंड पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट आर आपके पास आ गया ओ आर इज इक्वल टू लैमडा आई माइनस के, और हमें इस लैमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट समझिए कि देखिए ये आपके पास पॉइंट है, देखे ना, देखिए जैसे आपके पास ये लाइन है और ये देखिए आपके पास जैसे पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट पी आपके पास है, ये पॉइंट क्यू है, और ये आपके पास पॉइंट आर है। अब आपको याद होगा कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी नो दैट इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो क्या होता है, देखें आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम। अब यहाँ पे तो लैम्डा तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं एक्सपोज कर लेता हूँ वर्ड अल्फा, अल्फा टाइम्स क्यू आर, तो ये आपके पास है। ठीक है, यानी ये पैरेलल के लिए कंडीशन भी होती है, कोलिनियर के लिए भी होती है और पैरेलल, जाहिर है अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये जो है ना कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एल्फा क्यू आर। अब देखिए पी क्यू का देखिए आपको पता, मतलब पता ही है कि वी नो दैट पी क्यू मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी, और ये देखिए अल्फा आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और फिर देखिए क्यू आर मतलब ओ आर मतलब ओ क्यू, जिसके ऊपर हेड होता है उसमें से टेल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ओ क्यू देखिए आपके पास ये है माइनस टू थ्री और फाइव के, यानी माइनस टू आई प्लस थ्री जे और प्लस फाइव के, माइनस ओ पी देखिए आपके पास है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे और प्लस थ्री के इज इक्वल टू एल्फा, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा ओ आर, ओ आर आपके पास है लैम्डा आई माइनस के, तो ये हम लिख देंगे लैम्डा आई, और समझे यहाँ लैम्डा जे समझे यहाँ जीरो, लैम्डा आई और माइनस के, और ओ क्यू देखिए आपके पास है माइनस टू आई प्लस थ्री जे और प्लस फाइव के, अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस आई माइनस टू जे
माइनस थ्री ए इज इक्वल टू अल्फा, और देखें इसे भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब कर देंगे आप तो देखिए आपके पास आ जाएगा ये लैम्डा आई माइनस के, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू आई और माइनस थ्री जे और ये माइनस फाइव के। अब जो सेम कंपोनेंट आप ऐड कर देंगे ठीक है, अब देखें ये माइनस टू आई और ये माइनस आई, ये आपके पास आ जाएगा देखें माइनस थ्री आई और ये प्लस थ्री जे माइनस टू जे प्लस जे आपके पास आ जाएगा और फाइव के माइनस थ्री के प्लस टू के। ये देखिए उसके बाद आ गया अल्फा और फिर देखिए आपके पास ये लैम्डा आई और प्लस टू आई, एक साथ लिख देते हैं लैम्डा आई और प्लस टू आई और फिर माइनस थ्री जे और माइनस के और माइनस फाइव के माइनस सिक्स के। आप देखें ये माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस टू के इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा लैम्डा प्लस टू इंटू आई और ये माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के। अब यहाँ पे आप अल्फा को ना मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस टू के, और देखिए आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा प्लस टू इंटू अल्फा आई और फिर ये माइनस थ्री अल्फा जे और फिर ये माइनस सिक्स अल्फा ए। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स हमें बेसिकली फाइंड करनी किसकी वैल्यू, लैम्डा की, मगर उससे पहले हम फाइंड करेंगे जे ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड यानी पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे और फिर लैम्डा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड अल्फा फाइंड कर लेंगे ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ जे, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ जे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जे का कोफिशियंट, यहाँ पर जे का कोफिशियंट आपका वन है तो यहाँ पे तो आपके पास आ गया वन, और यहाँ पर देखिए जे का कोफिशियंट आपके पास है माइनस थ्री अल्फा ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री अल्फा, तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय थ्री, तो ये आपके पास आ गई अल्फा की वैल्यू। अब एक्चुअल में हमें फाइंड करना है लैम्डा, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर लैम्डा ठीक है। अब लैम्डा के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो मेन लैम्डा हमने फाइंड करना है, अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आई का कोफिशियंट लैम्डा प्लस टू अल्फा है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई, तो देयर फोर देखिए यहाँ पे देखिए जो आई का कोफिशियंट आपके पास, यहाँ पर आई का कोफिशियंट आपका माइनस थ्री है जबकि यहाँ पर ये पूरा ये कोफिशियंट है ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर देखिए माइनस थ्री इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टू और इनटू साथ में अल्फा, तो अब देखें देयर फोर ये आ जाएगा माइनस थ्री और लैम्डा तो हमने फाइंड करना है प्लस टू और अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन ओवर थ्री ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री इंटू थ्री और ये लैम्डा प्लस टू इंटू माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए माइनस नाइन और ये देखिए आपके पास आ गया लैम्डा ठीक है माइनस लैम्डा और ये माइनस टू।
मैथ्स लैम्डा माइनस टू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लैम्डा को यहाँ ले आते हैं और नाइन को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लैम्डा यहाँ पर आ गया और नाइन को जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस नाइन माइनस टू, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नाइन माइनस टू सेवन, तो ये आपके पास आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अगर यानी पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सेवन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट इसका टू था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ये स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर फाइव है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखें ये वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू टू आई प्लस के, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी। यानी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या करते हैं उसी वेक्टर, जैसे एक वेक्टर आपके पास समझे, जैसे आपके वेक्टर आपके पास ए है, उसी वेक्टर ए को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो हम पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी, इसे एक नया वेक्टर आ जाएगा उसका फिर हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट एक वेक्टर, जैसे समझिए आपके पास वी है, लेट वी इज इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, वेक्टर को देखिए आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नीचे अगर आप बार लगाते हैं उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे देयर फोर वैक्टर जो वी आपके पास आ जाएगा, तो इसको जो ना हम ये ऊपर ही लाइन लाइन वैक्टर डाल देते हैं, ठीक है, आपकी बुक में। और देखिए वैक्टर वी इज इक्वल टू आपके देखिए टू ए, ये देखिए आपके पास है आई माइनस टू जे प्लस के, आई माइनस टू जे प्लस ए है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए ये माइनस थ्री और बी आपके पास है आई, बी देखिए आपके पास आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, और फिर वेक्टर सी आपके पास है टू आई और प्लस ए। अब आप देखें टू को मल्टीप्लाई कर लें तो देखें टू आई माइनस फोर जे और प्लस टू के, और फिर ये माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे और प्लस थ्री के, और ये प्लस टू आई और प्लस के। अब आई कंपोनेंट आई में ऐड करेंगे, ठीक है, ये टू आई देखिए अब आपके पास देखिए टू आई, ये माइनस थ्री आई और ये प्लस टू आई है, टू आई और प्लस टू आई फोर आई में से थ्री आई गया तो आपके पास आ जाएगा प्लस आई। फिर देखिए जे माइनस फोर जे और ये माइनस फोर जे और प्लस थ्री जे, तो ये आपके पास माइनस जे आ जाएगा। और फिर देखिए आपके पास टू के और प्लस थ्री के फाइव के प्लस के सिक्स के आ जाएगा। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन और वेक्टर वी, यानी हमने करके जो वेक्टर वी देखे जो दोनों को हमने ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ था टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी, इसको हमने वेक्टर वी ले लिया है,
एक वेक्टर लिया है, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया, लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। तो देयरफॉर देखे जो वेक्टर यू आपके पास ये आ जाएगा, वेक्टर वी को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब देखिए वेक्टर वी आपके पास है आई माइनस जे और प्लस 6 के, और अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट देखिए 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है और के का कोफिशिएंट 6 है। तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा आई माइनस जे प्लस 6 के, और देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई माइनस जे प्लस 6 के डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर रूट 38। और चाहे तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 38, और ये आई, फिर -1 ओवर स्क्वायर रूट 38 और ये जे, और +6 ओवर स्क्वायर रूट 38 और ये के। तो ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि देखिए जैसा एक वेक्टर ए है ना, देखें वेक्टर ए आपके पास है a1x + b1y है जैसे, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर, नहीं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट टू। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर टू है कि इसका अपना 5 का पार्ट 2, यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड। अब देखिए साइड्स आपको दे दी है आई प्लस जे एंड आई माइनस टू जे। एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है कि दोनों का जो है ना, यानी दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास ए बी है, ये आपके पास ए बी है और ये बी सी है, तो ए बी और बी सी आपके पास एडजेसेंट साइड है। तो आपने सपोज कर लिया लेट यू इज इक्वल टू आई प्लस जे और वी सपोज कर लिया आई माइनस टू जे। अच्छा अब देखें, ये आपका पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। और आपको याद होगा देखिए जो हेड टू टेल रूल होता है कि देखिए ए बी बी सी और ये आपके पास आ गया ए सी, यानी इसमें क्या होगा, अब हमें इस डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो डायगनल की लेंथ के लिए देखिए आपको पता है कि वी नो दैट जो हेड टू टेल रूल है, हेड टू टेल रूल, देखिए क्या होगा कि देखिए आपके पास जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी और ये आपके पास आ जाएगा डायगनल जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए सी, ठीक है। अब हमें बेसिकली ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। अब देखें ए सी इज इक्वल टू जो आपका डायगनल आपके पास आ जाएगा, अब ए बी हमने सपोज किया है यू और बी सी हमने सपोज किया है वी। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए यू आपके पास है आई प्लस जे और प्लस वी आपके पास है आई माइनस टू जे। अब देखिए आई प्लस आई आपके पास आ जाएगा 2i और -2j + j -j। तो ये तो आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर सी, यानी जो आपका जो डायगनल है ये देखिए ये आपके पास आ गया ए सी। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। आप इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ
ओके सी, यानी आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो देयर फोर आपको याद ही होगा जो लेंथ में क्या करते हैं कि जो इसका जो आई का कोफिशियंट होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर देखे जो जे का कोफिशियंट है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी लेंथ ऑफ डायगनल आपके पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1, तो 4 + 1 5। तो ये आपके पास आ गई लेंथ ऑफ डायगनल √5 यूनिट। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो डेट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स i-j और फिर सेकेंड है 4i+3j+k और थर्ड है 2i-4j+5k आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आया ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। तो पहले तो स्टेप हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स यानी वर्टिसेस ले लिए हैविंग पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी। हमने नहीं वेक्टर्स ले लिए, हमने पॉइंट्स ले लिए ए बी सी और उनके पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी है, ए बी सी वर्टिसेस है और ए बी वेक्टर को मैंने सपोज कर लिया यू, बी सी को मैंने सपोज कर लिया वी स्मॉल वी और ए सी को सपोज कर लिया स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये वेक्टर्स ले लिए। अब देखिए पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए i-j, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू ओ बी 4i+3j+k और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी इज इक्वल टू i-4j+5k। देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, देखिए जो ए बी है हमें ये ए बी फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमें ये फाइंड करना है बी सी, फिर ये ए सी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ये जो वेक्टर आपके पास ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता ही है कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट जो है ना, लेट हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट जो वेक्टर यू है, यू इज इक्वल टू ए बी हमने सपोज कर लिया, और ए बी आपको पता ही है ये होता है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए वेक्टर यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यू इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया, देखिए अब ओ बी, अब देखिए आपके पास जो ओ बी है, ओ बी देखिए आपके पास है 4i+3j और प्लस के और माइनस ओ ए आपके पास है i-j। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा जो वेक्टर यू है 4i+3j प्लस के और ये माइनस आई और माइनस माइनस प्लस जे। तो ये वेक्टर यू आपके पास आ जाएगा 4i में से आई गया 3i और फिर 3j+j+4j और ये आपके पास आ गया प्लस के, ये आपके पास आ गया वेक्टर यू आ गया, ठीक है। नहीं पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल भी फॉर्म हो रही है नहीं फॉर्म हो रही, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर यू। उसके बाद देखिए ऑल्सो देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑल्सो, देखिए हम यहाँ वी सपोज कर लेंगे, वेक्टर वी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है बी सी, और बी सी आपको पता ही है ओ सी माइनस ओ बी,
अब देखिए वेक्टर वी आपके पास आ जाएगा, देखिए ओसी देखिए आपके पास है 2i-4j और +5k और माइनस ओ बी दिया गया आपके पास है 4i+3j और +k। तो अब देखिए वी आपके पास आ जाएगा 2i-4j +5k और ये -4i+3j +k ठीक है। तो अब देखिए आपके पास वेक्टर वी आपके पास ये आ जाएगा 2i-4i-2i और -4j+3j -4j -4j। अच्छा ये देखिए आपके पास ये माइनस साइन होंगे, ये भी माइनस -3j-k। अब -4j-3j -7j और फिर 5k-k आपके पास आ जाएगा +4k। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर वी और ये वेक्टर आपके पास यू था ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे डब्ल्यू जो है। नाउ डब्ल्यू वेक्टर हम सपोज कर लेंगे लेट W इज इक्वल टू ए सी और ए सी आपको पता ही है ओ सी माइनस ओ ए। तो देयर फोर जो वेक्टर W आपके पास आ जाएगा देखे ओ सी देखिए आपके पास है 2i-4j+5k और ओ ए आपके पास है i-j। अब देखिए डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा 2i-4j+5k, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे। तो डब्ल्यू देखिए आपके पास आ जाएगा 2i-i ये आपके पास आ जाएगा i और 4j और +j -3j 5k एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 5 की 1 है तो ये आ गया 5k। तो देखिए ये आपके पास आ गया W। तो पहले हम चेक करेंगे कि आया जो है ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है या नहीं। और ट्राइंगल फॉर्म होने का तरीकाकार क्या है कि या तो तीनों वेक्टर का सम 0 आ जाए या दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर के सम के बराबर आ जाए ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं देखिए जो आप वी आपके पास आया देखिए -2i-7j+4k और यू आपके पास है 3i+4j+k। देखिए जब हम यू और वी को ऐड करेंगे ना देखिए 3i-2i देखिए आपके पास आ जाएगा आई। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस देखिए जो यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ रहा है, यानी जब दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं ना यू प्लस वी के तो डब्ल्यू आ रहा है ठीक है। देखिए यू आपके पास देखिए ये दिया हुआ है यू आपके पास है 3i+4j+k 3i+4j+k और वी देखिए आपके पास है वी आपके पास है -2i-7j और देखिए +4k। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये 3i+4j+k और ये -2i-7j+4k। देखिए 3i में से 2i गया तो ये आपके पास देखिए i आ जाएगा -7j+4j+-3j और 4k+ क्या आ जाएगा 5k। और देखिए ये आपके पास आ रही है W के बराबर, क्या आ रही है W के बराबर। याद रखिए ट्राइंगल का फॉर्म होती है या तो तीनों का सम जो है ना देखिए U प्लस V प्लस W 0 आए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड।
या क्या है, दो का सम आपके पास आ जाए तीसरे वेक्टर के बराबर, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पर सिंस यू प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, देयर फोर ट्राइंगल इज फॉर्म। अच्छा अब हमें ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अब लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, आपको याद होगा कि क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, कि तीनों यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हम ये लिखेंगे नाउ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राई एंगल, क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम इन तमाम साइड्स के इन तमाम के क्या करेंगे, तमाम के हम निकालेंगे इनके लेंथ के, लेंथ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए यू है आपके पास, तो जब हम यहाँ पर यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो देखिए जब आप यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे देखें तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। ये आपके पास आ गया यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है उसके बाद देखिए हम जब वी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए ये वी का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। और देखिए -2 का स्क्वायर आपके पास देखिए आ जाएगा 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है 40 अपना 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 49 तो ये आपके पास 69 आ गया। और फिर देखिए जब आप इसका निकालेंगे W का, ठीक है 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है अब 9 और 1 आपके पास 10 आ जाएगा, 10 प्लस 25 √35। अब आप इसको चेक करते हैं कि क्या ये पैथागोरस थ्योरम में एप्लीकेबल होता है। ठीक है तो हाइपोटेन्यूज हम ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज हम ले लेते हैं देखिए जो आपके पास ये आया था जब वी, ठीक है तो वी देखिए हमारे पास इनके, हम इसको यहाँ लिखते हैं वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम यू ले लेते हैं और प्लस डब्ल्यू। देखिए वी आपके पास √69 है, यू आपके पास √26 है और डब्ल्यू हमारे पास कितना है √35 है। तो आप देखेंगे आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल 69 और देखेंगे आपके पास 26 और प्लस 35। देखिए 69 और 35 और 65 देखिए आपके पास आ जाएगा 61। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो अब 65 नॉट इक्वल टू 61 यानी जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस नॉट इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर
Therefore, the given vector not formed a right angled triangle. तो ये आपने शो कर दिया, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहे, ठीक है। अब हम इसका करेंगे पार्ट टू। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट टू है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, कि शो डेट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स 2y+3j+√3k और दूसरा है √10i-j+√5k एंड थर्ड है -3i+√3j प्लस 2k आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली बात तो आपको याद होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसके तीनों वर्टिसेस क्या होते हैं, तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये पोजिशन वैक्टर है और ये तीनों पोजिशन वैक्टर मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आया ये ट्राइंगल भी बन रही है या नहीं बन रही। और ट्रायंगल के लिए आपको पहले भी बताया था कि तीनों वेक्टर का सम या तो जीरो होता है या दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए, हम यहाँ सपोज किया है कि लेट लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। हमने सपोज कर लिया कि तीन वर्टेक्स हैं ए ए बी और सी, ठीक है, और जिनके पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी हैं। तो पहले स्टेप में हमने सपोज कर लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए 2y+3j+3k। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आपके पास आ गया ओ बी √10i-j+√5k और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी -3i+√3j+2k, ठीक है। अब पहले स्टेप में तो हमने ये पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी का मैंने वेक्टर सपोज कर लिया यू, बी सी का वेक्टर सपोज कर लिया वी और ए सी का वेक्टर सपोज कर लिया डब्ल्यू। तो पहले तो हम ये वेक्टर यू निकालेंगे। तो वेक्टर यू बराबर है ए बी के और ए बी बराबर आपको है कि ओ बी माइनस ओ ए। तो ये यू आपके पास आ जाएगा। अब देखें, ओ बी आपके पास √10i-j+√5k है और -OA 2y+3j+√3k है। तो यू देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2i-3j-√3k। अब आई टर्म्स आपने एक साथ कर दी, √10i-2i-4j-j-3j-4j हो गया और √5-√3k। अब इन दोनों में से आपने i कॉमन ले लिया तो √10-2 आ गया और ये 4j, यहाँ से आपने k कॉमन ले लिया तो √5-√3k, ये आपके पास आ गया वेक्टर u। अब हमने निकालना है नाउ वेक्टर v, ठीक है। अब वेक्टर v निकालना है तो v के लिए आपको याद है जो वेक्टर v है ये आपके पास बी सी के बराबर है और बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो वेक्टर वी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी की वैल्यू आपने रिप्लेस की और ओ बी की वैल्यू रिप्लेस की, तो ये वेक्टर वी आपके पास आ गया -3i-√10i और फिर +√3j+j और +2k और -√5k। अब यहाँ से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया माइनस आई, तो ये 3+√10i आ गया और प्लस स्क्वायर, यहाँ से जे कॉमन ले लिया आपने तो ये आपके पास आ गया √3+1j और फिर यहाँ से आपने के कॉमन आ गया तो देखिए 2-√5k, तो ये आपके पास आ गया वी, ठीक है। अब हम निकालेंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू देखिए आपके पास बराबर है ए सी, ठीक है। तो जब डब्ल्यू इज इक्वल टू ए सी तो अब ये डब्ल्यू इज इक्वल टू ए सी बराबर है ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। तब ओ सी की वैल्यू आपने रिप्लेस की और ये माइनस ओ ए की वैल्यू रिप्लेस की,
इसे जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो डब्ल्यू देके आपके पास आ जाएगा माइनस 5 i प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 j और प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 k। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम चेक करेंगे कि आया ये ट्राइंगल है भी या नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि ट्राइंगल चेक करने के लिए क्या होता है, या तो तीनों का वैक्टर्स का सम 0 आ जाए, या तीनों वैक्टर का सम 0 आ जाए, या दो वेक्टर का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये तीनों वेक्टर मिलकर ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया कि मैंने यू प्लस डब्ल्यू, पहले मैंने यू प्लस वी ऐड कर लिया, यू प्लस वी। अब देखिए यू आपके पास है स्क्वायर रूट 10 i माइनस 2 i माइनस 4 j प्लस स्क्वायर रूट 5 k माइनस स्क्वायर रूट 3 k, और प्लस वी आपके पास है माइनस 3 i माइनस स्क्वायर रूट 10 i प्लस स्क्वायर रूट 3 j प्लस जे प्लस 2 k और माइनस स्क्वायर रूट 5 k। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वही टर्म ही रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर आपके पास जो कैंसिल हो रहा है, देखें ये प्लस स्क्वायर रूट 10 i और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 i कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये देखिए माइनस 2 i और माइनस 3 i हो गया माइनस 5 i। उसके बाद देखिए अब आपके पास ये माइनस 4 j, ठीक है ये माइनस, अब j को चेक करना है, देखिए माइनस अपना माइनस 4 j और प्लस j आ गया माइनस 3 j और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 j, तो ये स्क्वायर रूट 3 j माइनस 3 j आ गया। फिर देखिए अब k की टर्म में चेक करते हैं, आप देखें ये प्लस स्क्वायर रूट 5 k प्लस का और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 k माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपके पास बच जाएगा, देखें ये बच गया आपके पास ये प्लस 2 k आ गया और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 k। ठीक है, तो ये आ गया देखिए यू प्लस वी आ गया माइनस 5 i और फिर प्लस स्क्वायर, यहाँ से आपने जे कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 और यहाँ से आपने के कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं कि ये जो आपके पास है ना माइनस 5 i और प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 j और प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 k, ये बराबर है डब्ल्यू के। ठीक है, तो देखिए ये डब्ल्यू आ गया, यू प्लस वी इक्वल डब्ल्यू आ गया। तो देख आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर का सम आ गया थर्ड के बराबर, डब्ल्यू के बराबर। इसका मतलब कि हेंस ट्राइंगल इज फॉर्म, ट्राइंगल यानी बन रही है। अब हमने चेक करना है कि आया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है भी या नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद है कि तीनों तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए पहले हमने यू का मैग्नीट्यूड निकाला, यू आपके पास है स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 i माइनस 4 j और प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 k। तो जब हमने यू का मैग्नीट्यूड निकाला है तो आपको याद दिया कि i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। अब यहाँ आपने फार्मूला लगा दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 ab 2 to the 4 स्क्वायर रूट 10 और फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ फार्मूला आपने लगा दिया ए स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल 3 और माइनस 2 ab 2 स्क्वायर रूट 15। अब 10 + 4 + 16 + 5 + 3 आपका बता गया 38 और ये माइनस 4 square root 10 और माइनस 2 square root 15 38। अब देखिए 4 square root 10 होता है 12.65 और माइनस 2 square root 15 होता है 7.75, ये आपके पास आ जाएगा 17.6। ठीक है, ये आपके पास आ गया 17.6 और 17.6 का स्क्वायर रूट 4.195 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया किसका मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे वेक्टर वी, वेक्टर वी आपके पास ये दिया हुआ है माइनस 3 + स्क्वायर रूट 10 i प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 j और प्लस 2 - स्क्वायर रूट 5 j k, सॉरी। ठीक है, अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है तो ये v का मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस 3 + स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 का स्क्वायर और प्लस 2 - स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस b स्क्वायर 10
प्लस 2ab 2 3 6 स्क्वायर रूट 10, और फिर ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला लगा दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वी का मैग्नीट्यूड आ गया 6.744। अब जहर आपको डब्ल्यू की लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने पूछा है कि ट्राइंगल चेक करनी इक्विलेटरल है या नहीं है। तो अब क्योंकि ये ट्राइंगल आपके पास यू का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आया और वी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आया है, तो अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं नहीं बन रही, तो देयर फोर द गिवन वर्टिस इज नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राई एंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच मोड ए इज इक्वल टू 3b मोड 3b, वेयर ए आपके पास है आई माइनस 3j प्लस लैम्डा के, और बी आपके पास है आई प्लस 2j माइनस के। और पार्ट 2 में आपने ये फाइंड करना है कि इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड बी इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j, चेक वेदर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये बराबर हैं या वेक्टर ए और बी बराबर हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गिवन आपके पास ये है कि वेक्टर ए आपके पास है आई माइनस 3j और प्लस लैम्डा के, और बी आपके पास है आई प्लस 2j माइनस के, और वी हैव टू फाइंड लैम्डा है, और गिवन कंडीशन आपके पास ये है कि ए इज इक्वल टू 3b। तो पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले 3b। तो फर्स्ट वी फाइंड देखिए 3b फाइंड कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 3b जब हम फाइंड करेंगे, देखिए 3b, अब देखिए 3 और b आपके पास है i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो अब देखिए देयर फोर ये आपके पास 3b इज इक्वल टू ये 3i और प्लस 2 3 6j और माइनस 3। अब नाउ अब देखिए जो कंडीशन आपके पास ये है ए मोड, तो पहले आप ए डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर का। ठीक है, ए देखिए आपके पास ये है कि आई माइनस 3j प्लस लैम्डा के, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस लैम्डा का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब हम निकालेंगे नाउ नाउ 3b, तो थ्री बी का मैग्नीट्यूड, अब देखिए 3b हमने ये निकाला है 3i प्लस 6j माइनस 3k, तो ये 3 का स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 30 45, 45 प्लस 9 54, तो ये आपके पास आ जाएगा 3b मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जो कंडीशन दी हुई है आपके पास वहां पे पुट कर देंगे कि सिंस जो गिवन कंडीशन ये है ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3b का मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और 3b हमने निकाला है स्क्वायर रूट 54। आप दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर
और ये 54 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 54। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा स्क्वायर यही रहेगा 54 माइनस 10। तो लैम्डा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 54 माइनस 10 44। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस 44 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 44 को आप लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 11, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है लैम्डा की। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है कि ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड सेम है या ए या बी बराबर है। अब देखिए पार्ट टू में आपके पास देखें ए आपके पास ये है, वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर देखिए ए आपके पास है 2y प्लस 3j, और वेक्टर बी आपके पास है i माइनस 2i प्लस 3j, और वेक्टर बी आपके पास है -3i+2j -3i+2j। तो बच्चों देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो i का कोफिशियंट 2 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर i का कोफिशियंट -3 है, जबकि यहाँ पे j का कोफिशियंट 3 है, जबकि यहाँ पे j का कोफिशियंट 2 है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि देयर फोर, यानी यहाँ पर कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। अब हमने चेक करना है मैग्नीट्यूड। नाउ अब पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि तो ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इक्वल वेक्टर्स तब होते हैं जब दोनों के कंपोनेंट, यानी आई जे के कंपोनेंट सेम हो। अच्छा अब देखिए ए आपके पास ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 13। उसके बाद नाउ बी निकालते हैं। अब बी का मैग्नीट्यूड ठीक है, आप देखिए आई का कोफिशियंट आपके पास है, देखें आई का कोफिशियंट -3, जे का कोफिशियंट 2, तो ये -3 और ये 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 13। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं ए और बी के सेम है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर ए इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 13। तो देखिए इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो ये आपके पास बराबर आ गया। ठीक है अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके भी दो पार्ट्स हैं कि वेक्टर ए आपके पास है 2y-3j+k और वेक्टर बी है i-3j+5k। देन फाइंड, यानी आप पहले स्टेप में आपको अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, एक वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है इन द डायरेक्शन ऑफ a-2b, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और दूसरी बात जो a-2b की डायरेक्शन में हो, और दूसरा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3/7 ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a+b। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि वेक्टर जो आपके पास u है ना, एक वेक्टर जो u है वो हमने सपोज कर लिया, बल्कि वेक्टर v सपोज कर लेते हैं। तो लेट हम v सपोज कर लेंगे a-2b, ये वेक्टर आ गया v, a-2b एक वेक्टर हमने लिख लिया इसको, क्योंकि a-2b
2b से एक नया वेक्टर आता है, उसको हमने v सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस v की डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो बेसिकली हमें वो 5 वेक्टर u फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपको याद होगा, देखिए 5 और जो वेक्टर u है ये आप क्या होगा, वेक्टर v ओवर v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो वो वेक्टर हम सपोज कर लेंगे u। ठीक है, और वो क्योंकि अपना v की डायरेक्शन में है, तो वेक्टर v हमने लेट किया a-2b, और फिर वो वेक्टर जो u है वो हो जाएगा 5v ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट v इज इक्वल टू जो है 3a+2 a-2b, a-2b, यानी a-2b से ज़्यादा एक वेक्टर आता है उसको हमने सपोज कर लिया वेक्टर a। तो ये v आपके पास आ जाएगा, a आपके पास देखे हैं 2i-3j प्लस k, और फिर देखिए -2 b आपके पास है i-3j +5k। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 2i-3j प्लस के, और ये -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2i+2 3 6j, और फिर ये 2 5 -10 के। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि वेक्टर v इज इक्वल टू देखिए आपके पास आगे देखिए 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 2i से 2i कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया देखें -3j+6j, ये आपके पास आ जाएगा 3j, और फिर देखिए -10k और प्लस के, ये आपके पास आ गया -9k। ठीक है, ये आपके पास आ गया वेक्टर v। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली इस वेक्टर v के आपने डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या v, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट यू बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v हैविंग मैग्नीट्यूड 5। देयरफोर देखिए वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए देयरफोर वो हो जाएगा 5u। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 वेक्टर v को आपने उसके वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। देखिए ये वो वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 5u, नहीं ये u बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो v के डायरेक्शन में पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ कर देंगे, देखिए देयरफोर ये 5 v, देखिए आपके पास ये 3j और -9k, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ गया 5 और ये 3j-9k। अब देखिए थ्री का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9
नाइन का स्क्वायर 81 आ गया, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 × 3j − 9k, और फिर देखिए ये आपके पास आ गया 90। अब 90 को देखिए हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए ये आ जाएगा 5, ऊपर से आप 3 कॉमन भी ले लें, जब 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा j − 3k, और डिवाइडेड बाय 90 को हम लिख सकते हैं 10 × 9। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 5 × 3 = 15, और ये j − 3k, और भी देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा और √10। अब देखिए अब आपके पास 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अब आपके पास ये आ जाएगा, अगर आप चाहें तो देखिए इसको लिख सकते हैं, देखें 5j − 5 θ 15 a/√10, और फिर आप इसे लिख देंगे 5/√10j और −15/√10 a। तो देखिए ये वो एक वेक्टर आ गया है जो इसकी डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, तो ये वो वेक्टर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका हम करेंगे पार्ट सेकंड। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड 3/7 ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3a + b, यानी अब आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3/7 हो और 3a + b से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो यानी नेगेटिव हो, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट जो आप वेक्टर वी है, एक वेक्टर वी हम सपोज कर लेंगे 3a + b, ठीक है, यानी हमने एक वेक्टर जो 3a + b से जो नया वेक्टर है उसको हमने सपोज कर लिया वी। अब देखिए 3a आपके पास है 2i − 3j और +k, और वेक्टर b आपके पास है i − 3j और +5k। तो अब देखिए वेक्टर v आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 6i − 3 × 9j और +3k, और फिर ये i − 3j और +5k। आप देखें वेक्टर v आपके पास आ जाएगा 6i + i 7i − 9j − 3j − 12j और 3k + 5k + 8k, ये तो एक नया वेक्टर v आ गया। अब हम यहाँ सपोज करेंगे कि लेट यू बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3/7 एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन डायरेक्शन वी, जो वी हमने 3a + b की जगह हमने वी फाइंड किया, ठीक है, तो डेट इज यानी देयर फॉर, डेट इज यानी तो मतलब ये हमने फाइंड करना, देखें कि माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन तो −3/7 यू, ठीक है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा −3/7, और यू की जगह हम लिख देंगे वेक्टर वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये आपने करना है, यानी आपने −3/7 की डायरेक्शन नेगेटिव है,
और वेक्टर यू जो है वो क्या, जो वेक्टर वी के ऊपर क्या पैरेलल है और उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए -3/7, और देखिए वेक्टर वी आपके पास है 7i, और फिर -12j, -12j +8k, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये 7 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, अब देखिए आ जाएगा -3/7, और ये 7i -12j +8k, और देखिए 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, और 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए ये आ जाएगा -3/7, 7i -12j +8k। अब देखिए इसको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 49 +144 और +64, तो ये आपके पास आ गया 257, 257। अब 257 का स्क्वायर जो पॉइंट्स में आता है इसको हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। आप देखिए 257 का कोई नंबर बाहर नहीं आता स्क्वायर रूट से, आप देखिए ये मल्टीप्लाई करते हैं -3 को, तो देखिए आ जाएगा -3/7 21i, ठीक है, फिर माइनस माइनस +12/3 36j, और प्लस माइनस माइनस 8/3 24k, और अब पावर में आप ये लिख देंगे 7257 स्क्वायर रूट। अब आप इसको सबके साथ अलग अलग कर दें, -21/7257i, फिर +36/7257 स्क्वायर रूट i, और ये j, और -24 और 7/√257, तो ये k, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 7 7 3 21, तो देखिए ये अब आपके पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा -3/257, और ये i आ जाएगा, ठीक, फिर +36/7√257 j आ जाएगा, और -24/7√257 ए। देखिए ये आपके पास आ गया है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या था, -3/7 था और अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -3/7, और ये वेक्टर यू। ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।